बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। घूमते फिरते चित्रकूट आ गया और वहीं गुरु महाराज के आश्रम में और पॉकेट में हाथ डाला रुपया 20 आना चढ़ाने के लिए, तो 10-15 दाना चना भी गिर गया। चना गिरा तो महाराज की निगाह पड़ी, बोले हैं चना कहाँ से आए हो? बोले महाराज मैं गया से आया हूँ, वहां का सेठ हूँ। बोली दाना जो गिरे समेट के हमको दो। बोले अरे नहीं महाराज, गाड़ी में से मैं एक बोरा मंगवा देता हूँ। बोले बोरा रहने दे अपना, ये समेट के हमके दे। तो फिर सब सिमटवाया, 10-15 दाना जो थे पुड़िया बांध के रख दिया। सेठ दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और चले भी गए। और चेला जब जंगल घूम के आया तो बोले देख रे वो रखा पुड़िया में प्रसाद, खा ले हमारे सामने। मुंह में डाला, चबा लिया, पानी पी लिया, फिर गया जाने का नाम न ले। बोले करे गया हो ले। बोले महाराज पता नहीं क्या हो गया, अब तो गया जाए का मन नहीं करते। बोले ससुरा वो अन्न जल खींचत रहा, मरद खपत पहुंचता पेटो नहीं भरता, वो अनजल खत्म हो गया। तो जैसी हो बहुत तबिता तैसी मिले सहाय, आपन जावे ताई पा ताई तहां ले जाए। अनजल भी खींचा करता है। गुरु महाराज की एक ही कविता है बारह मासी। एक दिन बोले हो आकाश बोले थे रे, मैं कैसे बताऊं, 3 दिन से बोले थे और मैं सुनत जात हूँ, मुके याद हो जाते। आकाश बोले थे तुम लोग याद कर लो, हमें भूल जाई। तो फिर महाराज गुनगुनाने लगे, सब लोग जित थे याद कर लिया। लावनी सुन बारे मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी, चैत में चिंता ये कीजे, ये तन घड़ी घड़ी छीजे, इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। 12 महीनों की 12 पंक्ति है, 12 मासी एक किताब है। हम तो थे नहीं जब ये घटना घटी, हम आए तो चर्चा का विषय था। महाराज जो महाप्रयाण को प्राप्त हो गए, 2 साल बाद हमने देखा कि महाराज की विद्या तो सब भूल गए, महाराज का नाम तो कोई ले ही नहीं रहा है, महाराज की ब्रह्म विद्या किसी की जवान पर नहीं है, महाराज की नाम भी तो नहीं है, महाराज की साधना भी किसी के नाम पर नहीं है, सब ईटा पत्थरा में उलझ गए। साधु फंसे ईंटन में, गृहस्थ फंसे चीटन में, ये तो आफत कर दिया। तब हमारे मन में ये भाव आया, कम से कम गुरु महाराज की जीवनी तो हमें याद है, हम लिपिबद्ध कर दें। बोल दिया। इस टाइम जो जीवन आदर्श है ये गुरु महाराज की जीवनी है। गुरु महाराज का शरीर सोने की तरह चमकता हुआ दे दीप्यमान, गोरंगार शेर की तरह बैठे रहे एकदम, इतना सुडोल महात्मा मंडली में शरीर देखने को कमी मिला करता था, देखने में कोई बीमारी नहीं। डायबिटीज आस्ते आस्ते थी, अंतिम समय में जब शरीर छूटने का समय आया महाराज का, महाराज बोले हो 1 महीना भर पहले से तूफान आया, कुछ पेड़ उखड़ गए। बोले तूफान नहीं है, ये भविष्य है, ये पेड़ नहीं उखड़ा है, ये भगवान भविष्य दिखा रहे हैं। फिर ऐसी बातें कहने लगे, फिर कहने लगे कि देखो मैं देख रहा हूं कि आश्रम में कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, बस नदी है, जंगल है, पहाड़ है,
आश्रम भी नहीं है। मैं बैठा पर हूं, देख रहा हूं, लेकिन मैं भी नहीं हूं। अब सब उजाड़ खंड है बेटा। इतने में वो गणेश पंडित आ गए। अरे पंडित भला आ गए, अब तोरो बुढ़ोती हमरो बुढ़ोती, अब आखिरी समय है, तीर्थ व्रत जो कुछ करना हो कर लो। तो पंडित बोले, महाराज संत कहाँ मरते हैं, मरते तो हम लोग हैं, संत तो उस दिन मर जाते हैं जिस दिन स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, शरीरों का संबंध छूट जाता है, स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, फिर शरीर धारण ही नहीं करना पड़ता है। शरीर धारण करना, शरीर त्यागने का सिलसिले से मुक्ति मिल जाती है, वो स्वरूपस्थ होते हैं। फिर शरीर जब तक है तो वो केवल लोक हित के लिए ही होता, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। पंडित सत्संगी रहे हैं, गणेश नंबरदार पथरा गांव के, और फिर सत्संग चला, वो तो चले गए। अब रोज ये शरीर अंत की बात चलने लगी, हमें बैठा देख भर रहे हो, मैं हूं नहीं। हम लोगों ने कहा, महाराज शरीर रखा जाए तो? बोले, हो राम भी नहीं रखे, कृष्ण भी नहीं रखे, बड़े बड़े महापुरुष हुए, किसी का तो शरीर नहीं दिखाई देता, किसी ने किसी बहाने से शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा। शरीर तो त्याग देंगे, लेकिन मैं सहज सूक्ष्म स्वरूप से मैं सदैव विद्यमान रहूंगा इस आश्रम पर, इस जगह पर, कल्याण करता रहूंगा। जो भी श्रद्धा से याद करेगा, मैं उसकी भली प्रकार देख रेख करूंगा। अत्रि महाराज वो विद्यमान है। वैसे तो मैं न मरी हूं, कोई गोली मार दे तो मर जाए। तो हम बोले, महाराज गोली से मरने में, बुखार से मरने में फर्क क्या है? बोले, यार कोई निमित्त होता है ना शरीर त्यागने का। एक जौनपुर के सेठ साधु हो गए थे, वृद्ध, उनके नाम बंदूक थी, वो भी वो लिए दिए चले गए, क्यों कहां छोड़े, वो आश्रम में फेंकी पड़ी थी। बोले, ये तू अपने नाम करा ले, हमसे का। और एक ठाकुर थे, उन्होंने लाके एक ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, वो भी पड़ा था, ये भी अपने नाम करा ले। हम बोले, गुरु महाराज हम क्या करेंगे ट्रैक्टर और बंदूक, अंदर वाली चीज में कमी न रहे और बाहर वाली हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सृष्टि की कोई वस्तु नहीं चाहिए। बोले, मैं हूं जानत हूं तो के कुछ नहीं चाहिए। बार बार शरीर त्याग, बार बार शरीर त्याग जब सुना तो हम बोले, महाराज हम क्या करेंगे, हमें बंदूक नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके अंदर वाली जो वस्तु है उसमें तो हवा भर कमी न रहे, और बाहर वाला हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें महाराज स्वर्ग नहीं चाहिए, सृष्टि में कुछ है ही नहीं जिसकी हम कामना करें। अंदर वाली भगवान के पथ में जो वस्तु है उसमें रंच मात्र भी कमी आभास न हो, ये हम क्या करेंगे। बोले, हमें मालूम है तुम्हें नहीं चाहिए, तोरे नाम हुई तो यहां पड़ा रही, नहीं तो जहुआ जात हो जाए। तो हम बोले, महाराज है ये क्या जो जहुआ जात हो जाए, न रही तो क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने कहा, महाराज ऐसा होना, कदाचित शरीर छूटना ही है, तो शरीर छूटने के 10 दिन पहले ये आश्रम नीलाम कर दिया जाए,
बोले फिर भंडारा कर दिया जाए, दुनिया भोजन करे, और जब कुछ भी नहीं रह जाए तब शरीर त्याग दें। जो महापुरुषों का भंडारा बाद में होता है ना, सही छूटने के बाद, वो आप पहले ही कर डाले। बोले तुम लोग क्या करी हो? हम बोले आप यहां कुछ लेके आए थे क्या? नहीं, एक कमंडल था, एक छड़ी थी। जो भीतर वाली वस्तु भरपूर रहेगी तो जहां बैठेंगे वहीं आशीर्वाद रहेगा, तो वहीं पड़े रहेंगे। खाली दो रोटी खाना, भजन ही तो करना है। महाराज ने कहा आश्रम रहे तो हर्जा क्या है? न बोले महाराज, साधक लोग कहीं बाहर मुखी ने हो जाए कि गुरु महाराज ने यहां 10 पेड़ लगाए थे आम के, तो ये विस्तार करके 100 हो जाए। गुरु महाराज कहा करते थे कि इस पहाड़ के ऊपर अत्रि महाराज निवास करते थे, वहां भी कुछ आश्रम जैसा बन जाए, कहीं ईटा पत्थर में उलझ न जाए और आपकी अंतरंग विद्या भूल न जाए। इसलिए विघ्न हो सकता है भगवान, महाराज ने यहां ये बात कही थी, यहां ऐसा बन जाए, यहां ऐसा हो जाए। तब फिर 10 मिनट तक चुप रह के बोले, करी कौन चीज नीलाम कर दूं? ये जहां मैं बैठा हूं, ये जो मकनवा पीछे है ना, ये पहले ही से सिद्ध बाबा के समय से, ये मैं नहीं बनवाए हूं। आगे वो बगीचा लगाए वो गवर्नमेंट का है, सचमुच गवर्नमेंट का था वो, मैं जो श्रद्धा बस बगीचा लगाए पड़ा, वो हमारा वो भी नहीं है। हमारे पास बेटा ये एक गद्दा और 2 तकिया है, बोल कौन सी नीलाम कर दूं? है काम और पास जो मैं नीलाम कर दूं? वास्तव में शरीर जब छूटा तो गद्दे के नीचे कोई पैसा फेंक जाए, जैसे आप लोग कोई 2 रुपया, कोई 10 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा, उस टाइम यही चढ़ोतरी रही है, तो गद्दा को कोना उठा नीचे फेंक दिया जाए, और जरूरत हो कोई सामान मंगाने से उसी में से कोई भी निकाल के ले जाए और सामान ले आया करे। बाजार जहां से 15-20 किलोमीटर रहे चित्रकूट, वहां से जब गद्दा उल्टा गया तो 350 रुपया निकला। तो महाराज कहा करें, हमारे पास विश्व बैंक है, मैं विश्व को खाना खिला सकता हूं, उस विश्व बैंक में तो 350 रुपया निकला। ये तो थी विश्व बैंक परमर्शी की। तो जब आवश्यकता पड़ती है तुरंत हाजिर हो जाया करे महाराज के पास। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। अंतिम समय में महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया तो भगवान आनंद जी को कहा, एक और थे उनसे कहा, पता नहीं किस किस से, जाओ अब तुम्हारी सब पूर्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष सहज मिल जाएगा। और हमों से कहा, जाओ मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति समझ लो हो गई। अब भविष्य हमारी कृपा से हो गई, मैं देत हूं तुम्हें प्राप्त हो गई। तो झटके में हमारे मुंह से निकला, गुरु महाराज अपने बेटों को सबे कहते, तुम राजा है, तुम बादशाह है, लेकिन लड़का लड़का ही रहता है तो दुलार की भाषा हुई। उसके अनुरूप स्वरूप दिखाई पड़े, पापों का अंध दिखाई पड़े, तब तो महाराज के हमरे लगे, जो हमरे पास से हटिए तब ना।
बोले भजन करके हम प्राप्त करें तो ठीक है। बोले भजन अब तो से न हो। हम बोले हो ही कहे नहीं, अब आयु भी ठीक है, लगन भी ठीक है। बोले न हुई। अंतर मन में हमारे ये भाव रहे कि भजन में सूत बराबर कमी नहीं रहे, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक बार हम इन्हें कह दिया, कुछ मुंह से निकल गया तो बोले तुम बात क्या कहता है, गोली मारता है। फिर बात बदल के बोले तुम लोग गोली मारते हो। हम बोले अरे भगवान, कहते रहे गोली से मरेंगे, हमें गोली होगी कहा। तुम बात क्या कहता है, गोली मारते हो कि तुम लोग गोली मारते हो, कैसे कहूं छेद चली जाती। बड़ी सवेरे सत्संग शुरू किया, राम 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 जीहा, जोलो तूने जपी है तोलो तू कहूं जायती हूं ताप तपी है। स्वर्ग में चले जाओगे तभी तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे। इंद्र ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूं, ताप नहीं पिंड छोड़ेंगे। सूर्य सर तीर बिनु नीर दुख पाइये, सुर तर उतरे तो ही दारी दशतई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, ओ जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छुटबे के जतन बिसेखी बंधो जाएगो, होई है विष भोजन जो सुधा सनी खाएगो। तुलसी तिलोक त्यों काल तो से दीन को, राम नाम ही सोंगति जैसे जल मीन को। राम 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 जिया, जो लो तुन जपी है तो लो तू कहूं जाए ती हूं ताप तपी है। राम राम केवल राम रे जीवा, जब तक तू नहीं जपोगे रे जीव, जब तक नहीं जपोगे तो लो तू कहूं जाओ। स्वर्ग में भी चले जाओगे तो तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे। तीन ताप देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। एक तो राम राज में किसी को नहीं व्यापता, दूसरा नाम जपोगे तो तुम्हें भी नहीं व्यापेगा। देह में पीड़ा होना, देहिक ताप, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अप्रत्याशित प्रकोप हो गया, देवी प्रकोप, देविक ताप, देहिक देविक भौतिक भौतिक ताप, जो प्राणियों के द्वारा प्राणियों को कष्ट होता है वो भौतिक ताप, इनमें से कोई न कोई ताप तुम्हारा पीछा करता रहेगा। यदि राम नाम जपेगो तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। तुम गंगा किनारे चले जाओगे, एक एक घूंट पानी के बिना तड़प के मर जाओगे। कहें किसी बैल को पानी से 4-6 इंच दूर बांध दे, मुंह न पहुंचे तो गंगा जल किस काम का, वो देखता अवश्य है। जब तक कि मुंह न पहुंचे पेटे में तो जाएगा नहीं। कलम वृक्ष के नीचे पहुंच जाओगे तब भी दरिद्रता नहीं पिंड छोड़ेगी। कलम वृक्ष है भगवान स्वयं। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। तुम सुर तरु कलम वृक्ष हो, तुम काम धेनु हो, ब्रह्मा विष्णु महेश चरणों की वंदना करते हैं। भगवान ही कलम वृक्ष है, भगवान ही काम धेनु है। वहां पहुंच जाओगे तभी तड़प के मर जाओगे, दरिद्रता नहीं पिंड छोड़ेगी।
केवल राम का भजन और राम नाम का जाप नहीं करोगे, अन्य छूटने के बहुत से उपाय करोगे, देवी लिमक्लिम चामुंडा और पता नहीं क्या क्या अन्य तरीकों से छूटबे के जतन विशेखी बंद हो जाएगो, होई है विष भोजन जो सुधा सनी खाएगो। अन्य तरीकों से छूटने के जतन करोगे और भी विशेष बंद जाओगे, क्योंकि भगवान एक, पाने की विधि एक, रास्ते में मिलने वाली सुविधा संरक्षक एक, तो फिर दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो तुम मिलेंगे नहीं। ने की बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।